नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नई वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है ओप्पो का F21 Pro और वीवो का T144 Watt वाला। ये जो दोनों भी हैंडसेट जो ये 4G नेटवर्क के साथ में आ जाते हैं और सेम प्रोसेसर के साथ में आ जाते हैं। ये यहाँ पे जो है दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप दिया है। यहाँ पे T1 की अगर बैक साइड में देखेंगे तो इसके अंदर आपको पूरा मैट फिनिश के अंदर बैक डिज़ाइन दिया है और पूरा जो है इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा पार्टिकल टाइप में भी देख सकते हैं आप। इसके अंदर थोड़े थोड़े डॉट आ जाते हैं इसमें, जो कि दिखने में लुकिंग वाइज जो है ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और F21 Pro के बैक साइड में अगर देखेंगे तो बैक साइड जो ये पूरा आपको लेदर ग्लास फिनिश के साथ में आ जाता है। इसमें ओप्पो का जो हैंडसेट है ये बॉक्सी डिजाइन के साथ में आ जाता है और वीवो का थोड़ा सा कर्वी शेड दिया है इसके अंदर में। वेट की अगर बात करेंगे तो वीवो का वेट दिया है 182 ग्राम और 8.4 mm की थिकनेस दी है और ओप्पो का जो वेट आ जाता है 175 ग्राम और 7.5 mm की थिकनेस आ जाती है इसमें। वीवो का जो हैंडसेट है थोड़ा सा वेटेड दिया है ओप्पो के मुकाबले अगर देखते हैं तो, ओप्पो का थोड़ा सा लाइट वेट आ जाता है हैंडसेट। इस साइड में जो है दोनों भी हैंडसेट के अंदर पावर की दी है। वीवो के अंदर जो ये वैल्यूम अप एंड डाउन की जो ये इसी साइड में दी है और ओप्पो के अंदर जो ये आपको अपोजिट साइड में दी है वैल्यूम अप एंड डाउन की और इसी साइड में इसका सिम स्लॉट भी दिया है। नीचे की साइड में जो है आपको स्टीरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक दिया है जो कि 3.5 mm वाला दिया है इसमें। सिम स्लॉट की अगर बात करेंगे तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया है। एक्सपांडेबल भी 1 TB तक के कर सकती है इसमें। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो वीवो के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी है और ओप्पो के अंदर 4500 mAh की। और चार्जिंग के अंदर जो है ये वीवो का हैंडसेट फास्ट दिया है, 44 वैट का दिया है इसके अंदर में और ओप्पो के अंदर 33 वैट का। यहाँ पे कैमरा जो है ट्रिपल कैमरा दिया है। ओप्पो के अंदर आ जाता है 64+2+2 का और वीवो के अंदर दिया है 50+2+2 का। फ्रंट कैमरा जो है ये ओप्पो के अंदर ज़्यादा दिया है 32 मेगापिक्सल का और वीवो के अंदर 16 मेगापिक्सल। यहाँ पे कैमरे के अंदर जो है लगभग सारे ऑप्शन दिए हैं दोनों भी हैंडसेट के अंदर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, एक्सपर्ट मोड जैसे सारे ऑप्शन दिए हैं। लेकिन एक ऑप्शन जो ये आपको सिर्फ ओप्पो के अंदर दिया है जो कि माइक्रोस्कोप वाला है, जिससे आप जो है छोटे छोटे जो पार्टिकल टाइप में भी आप इसके अंदर के जो डॉट है वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं। जूमिंग जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको सेम मिल जाता है जो कि 10x तक के डिजिटल जूम का ऑप्शन दिया है, सेम आ जाता है दोनों भी हैंडसेट के अंदर में। यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये फोटो लिया हुआ है, ये देख सकते हैं काफ़ी डिटेल के साथ में आ जाता है। बैक साइड में अगर इमेजेस क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो लगभग सिमिलर आ जाती है, लेकिन थोड़े से जो फोटो है ये आपको ओप्पो के अंदर थोड़े से बेटर मिल जाते हैं वीवो के मुकाबले। जूमिंग भी जो है ये परफेक्टली हो जाता है, कलर सेचुरेशन भी काफ़ी अच्छा दिया है, काफ़ी अच्छे कलर आ जाते हैं। ये जो फोटो है ये पोर्ट्रेट मोड में लिया हुआ है। ओप्पो के अंदर जो ये बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुका है वीवो के मुकाबले। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी ओप्पो का अच्छा आ जाता है वीवो के मुकाबले, लेकिन वीवो के भी फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा सा नॉर्मल सा इमेजेस फ़र्क आ जाता है। ओप्पो के अंदर जो ये थोड़ा सा डार्क करके बताता है इसके अंदर में, जैसे हम स्लो मोशन ऑन करेंगे तो ओप्पो के अंदर जो ये थोड़ा सा ब्लरिंग हो जाता है, लेकिन वीवो के अंदर जो ये परफेक्टली आ जाता है वीडियो। स्लो मोशन के अंदर वीवो का हैंडसेट काफ़ी अच्छा दिया है, परफेक्टली दिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो वीवो के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा दी है ओप्पो के मुकाबले। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर मोबाइल लेना चाहते तो वीवो का जो हैंडसेट है अच्छा आ जाता है, स्टेबल भी वीडियो आ जाते हैं वीवो के अंदर में ओप्पो के मुकाबले अगर देखेंगे तो। और कलर सेचुरेशन भी काफ़ी अच्छी दी है, थोड़े से डार्क कलर आ जाते हैं इसके अंदर में जो कि काफ़ी अलग दिखते हैं। फिर से प्ले करके देखते हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन दी है। ओप्पो के अंदर आ जाता है 6.43 इंच का एक पंच होल स्क्रीन दिया है इसके अंदर में और वीवो के अंदर दिया है 6.44 इंच का एक वाटर ड्रॉप स्क्रीन। लेकिन रिजोल्यूशन जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 1080x2400 pixel का दिया है जो कि फुल HD+ में दिया है। एक्सपेक्ट रेशियो की अगर बात करेंगे तो वीवो के अंदर आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो दिया है और स्क्रीन टू वाटर रेशियो इसके अंदर आपको 19.12% दिया है। और ओप्पो के अंदर 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाता है और इसके अंदर जो स्क्रीन टू वाटर रेशियो ये 19.80% का दिया है। पीपीआई डेंसिटी जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 409 का दिया है। ओप्पो के अंदर जो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दिया है। रिफ्रेश रेट वीवो के अंदर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ओप्पो के अंदर आपको 90Hz का दिया है। और आउटडोर के अंदर ब्राइटनेस लेवल दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी दी है। ओप्पो के अंदर जो ये 600Hz का दिया है, वीवो के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। परफॉर्मेंस जो ये सेम आ जाती है दोनों भी हैंडसेट के अंदर,
जो प्रोसेसर दिया है इसके अंदर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का दिया है, जो कि क्लॉक स्पीड इसके अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की दी है। फैब्रिकेशन जो ये 6 नैनोमीटर का दिया है और ग्राफिक्स आ जाता है एड्रेनो 610 का। रैम टाइप जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको LPDDR4X का मिल जाता है। यहाँ पे जो ये एंड्रॉयड वर्जन दोनों भी हैंडसेट के अंदर सेम आ जाता है एंड्रॉयड 12। ओप्पो के अंदर जो ये कलर OS 12.1 का सपोर्ट दिया है और वीवो के अंदर फनटच OS 12। और रैम एक्सपेंशन भी दोनों भी हैंडसेट के अंदर हो जाता है। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों भी हैंडसेट के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन और पासवर्ड के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे साउंड अगर चेक करेंगे तो थोड़ा सा लाउडली साउंड जो ये ओप्पो के अंदर ज़्यादा दिया है। यहाँ पे कैमरे के अंदर थोड़ा सा चेंज दिया है वीवो के अंदर, क्वालिटी भी अच्छी दी है कैमरे के अंदर में। और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर लेना चाहते तो वीवो का हैंडसेट काफ़ी अच्छा जाता है। 18,000 रुपये में आपको 8 GB 128 GB वाला वेरियंट दिया है और ओप्पो के अंदर 23,000 रुपये में। यहाँ पे जो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम परफॉर्मेंस के साथ में आपको 5,000 रुपये कम में वीवो का भी हैंडसेट जो है ये आ जाता है। इसके अंदर आपको चार्जर भी ज़्यादा दिया है और लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा हैंडसेट दिया है। ओप्पो के अंदर जो आपको चार्जर भी इसके अंदर कम मिल जाता है 33 वाट का सिर्फ। इसके अंदर आपको जो बैक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा चेंज दिया है, लेदर ग्लास फिनिश के अंदर दिया है और कैमरा माइक्रोस्कोप का दिया है इसके अंदर में। वीवो के अंदर आपको चार्जर भी फास्टली मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है इसके अंदर में। और कम प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा हैंडसेट दिया है, लुकिंग वाइज और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी बढ़िया लुक दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।